अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम था, हम लोग आ गए थे अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने। आज ब्रेकफास्ट में थे आलू के पराठे। और आज हम लोग का कश्मीर में डे 5 है एंड आज हम लोग का लास्ट डे है कश्मीर में। तो आज का जो हम लोग का ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है पहलगाम का। और आज का हम लोग अपना दिन पहलगाम में स्पेंड करेंगे एंड कल फिर हम लोगों को जम्मू के लिए निकलना है। और जम्मू से कल रात में हमारी ट्रेन है लखनऊ के लिए। तो हम लोग ने होटल से चेकआउट कर लिया था और हम लोग थोड़ा सा गार्डन में बाहर टहल रहे थे, थोड़ा सुबह का जो टाइम था वो टाइम इन्जॉय कर रहे थे। एंड इसके बाद हम लोगों को होटल को रिव्यू भी करना था और उसके लिए एक वीडियो शूट की गई थी जिसमें हम लोग ने होटल का रिव्यू दिया था। उसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग ने सोचा था कि यहीं पे हम लोग एक ग्रुप फ़ोटो भी लेंगे जो एक याद बनी रहेगी और हमेशा हम लोग के पास वो याद कैद रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग ने रिव्यू दिया, उसके बाद हम लोग ने एक ग्रुप फ़ोटो ली और फ़ोटो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। फिर हम लोग निकल गए श्रीनगर से पहलगाम जाने के टाइम में। बीच में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखने को मिली वो है ये छोटे छोटे से प्यारे से केसर के फ्लावर्स। और ये केसर के ये जो फ्लावर्स हैं ये अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं और कुछ टाइम में ये पूरे खेत केसर के फ्लावर्स से भर जाएगा। एंड केसर के फ्लावर्स इंडिया में ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ है ये। कश्मीर की बहुत ही खासियत है कि ये जो फ्लावर्स हैं ना ये कश्मीर के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो लाखों रुपए की है। एक किलो केसर की कीमत लाखों रुपए की है। तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास और कीमती चीज़ है केसर कश्मीर के लिए। एंड हम लोग को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये छोटे छोटे फ्लावर्स देखने में। इसमें देखें जो बीच में ये केसर निकले हैं, इन्हें देख के यही लग रहा था कि कितने ज़्यादा मेहनत से और कितने ज़्यादा ज़िम्मेदारी से ये केसर उगाए जाते होंगे। तो फर्स्ट चीज़ जो हम लोगों को मिलनी है देखने को वो है ये केसर के फ्लावर्स। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक शॉप पे आ गए जहाँ पे वही केसर है और बाकी सैफ्रॉन से और भी बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, काजू बादाम है और क्रीम्स हैं। एंड ये देखें अखरोट, ये इसको क्या बोलते हैं, वॉलनट्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग ने ली और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग है वो करके फिर हम लोग आगे आ गए। एंड हमारा सफ़र फिर से स्टार्ट हो गया पहलगाम के लिए। और ये जो रोड्स हैं एंड ये जो व्यू है इसको इन्जॉय करते करते हम लोग पहलगाम के लिए आगे बढ़ने लगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम लोग को देखने को मिली वो है ये बैट फैक्ट्री। तो यहाँ पे बैट्स रेडी होते हैं और यहीं पे इनको सेल किया जाता है। तो यहाँ पे तो भैया है तौसीफ है, ये लोग बैट्स देखने लगे। एक बैट लिए बिना इन लोग को जाना नहीं था, तो इन लोग बैट देखने में बिज़ी हो गए थे और हम लोग ने भी थोड़े बहुत देखा। उसके बाद फिर हम लोग ने फैक्ट्री देखी एंड यहाँ पर ये बैट यहीं पर रेडी हो के फिर यहीं पर सेल किए जाते हैं। तो ये देखिए ये जो पूरा है ना ये पूरी फैक्ट्री है बैट्स बनाने की। यहाँ देखिए ये किस तरह से बैट्स रेडी हो रहे हैं एंड यहीं पे बैट्स को रेडी किया जाता है। तो यहाँ से एक बैट भैया ने और एक बैट तौसीफ ने ले लिया था, बल्कि इन लोगों के पास बैट्स की कमी नहीं है पर फिर भी। तो बैट्स लेने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए और अब हम लोगों को जो नेक्स्ट चीज़ देखनी थी जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और पहले भी हम लोग ने देखा था, बट यहाँ पहलगाम में जो एप्पल गार्डन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे देखें ये जो सारे जो बाग हैं ना ये सब एप्पल के हैं, मतलब लाइन से सारे ये जो बागान हैं ये सब एप्पल के बागान हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बाग में रुक गए थे एप्पल देखने के लिए। एंड एप्पल के जो पेड़ है ना वो देखने में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि हम लोग ना ऐसे जगह से हैं जहाँ पे हम लोग ने कभी ऐसे पेड़ में एप्पल्स टंगे हुए नहीं देखे हैं, लगे हुए एप्पल्स नहीं देखे हैं। तो हम लोग के लिए ये एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। मतलब हम लोग ने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना तो हम लोग इतने ज़्यादा हैरान थे कि अल्लाह इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा था और हम लोग ने नहीं देखा है कभी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड यहाँ तो माशाल्लाह एप्पल्स की भरमार है, एप्पल्स ही एप्पल्स हैं, हर पेड़
पेड़ पे इतने सारे एप्पल्स हैं कि बस देखते रहो। और यहाँ देखें, यहाँ माशाल्लाह भरमार है एप्पल्स की। तो ये सेलिंग के लिए एप्पल्स तोड़े जा रहे हैं। एंड ये देखें, ये सारे एप्पल्स देखें। उसके बाद यहाँ पे एप्पल गार्डन में हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ ली, और फ़ोटोज़ में ये रैबिट्स देखें, ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं। तो ये बहुत क्यूट क्यूट से रैबिट्स थे। एंड फ़ोटोज़ के बाद यहाँ पे हम लोग के लिए एप्पल जूस लाया गया, जो कि बहुत टेस्टी था। मतलब इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, इसमें कुछ भी चीनी वीनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत मीठा था। एंड शिज़ू को देखें। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो लड़कियाँ हैं ना, ये अपने पेट्स को ले लेके आते हैं यहाँ पे, कि इनके साथ हम लोग अगर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खिंचवा लें और उसके बदले जो भी हमारा दिल चाहे वो इनको दे दें, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पे अपने पेट्स को लेके घूमते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे शिज़ू को देखें, ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ना शिज़ू ने इन्जॉय किया है। मतलब वो पूरा कश्मीर इतने इन्जॉय करके घूमी है ना, उसको बहुत मज़ा आई है। तो शिज़ू ने तो बहुत इन्जॉय किया है। और यहाँ पे ये रैबिट्स को देख देख के ना शिज़ू भौंक भी रही थी। तो फिर उसके बाद ये रैबिट्स को यहाँ से ये जो लड़कियाँ हैं ये लोग ले गई थी। और फिर हम लोग यहाँ पे एप्पल्स तोड़ने आ गए, क्योंकि एक शौकिया होता है ना कि हम लोग को भी तोड़नी है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे अपनी ख्वाहिश पूरी करने आ गए। तो यहाँ हम लोग एप्पल्स तोड़ने आ गए थे, एंड सब ने दो दो एप्पल्स तोड़े थे। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ से जो भी एप्पल्स लिए थे वो भैया ने तोड़े थे, बाकी हम लोग ने यहाँ पर सब लोग ने दो दो एप्पल्स तोड़े थे। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोग ने वीडियो शूट की, क्योंकि इतनी प्यारी जगह तो फिर से नहीं मिलने वाली है, तो यहाँ कुछ वीडियो शूट की। एंड भैया देखें, यहाँ पे हम लोग को जो एप्पल्स चाहिए थे ना वो तोड़ रहे थे भैया। तो ये देखें भैया लोग कितनी जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं, हम लोग को कितना ज़्यादा टाइम लगता है। एंड ये देखें माशाल्लाह भैया भाभी लोग भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। और एप्पल्स देखें आप लोग, मतलब पीछे ना सारे पेड़ में एप्पल्स ही एप्पल्स। और उसके बाद ये एप्पल्स की चटनी थी, तो ये भी हम लोग ने एक ली थी, जो हम लोग को टेस्ट कराया गया था, जो अच्छा लगा था वो हम लोग ने ली थी। और फिर हम लोग यहाँ घूम फिर के बाहर आ गए थे। एंड देखें एप्पल्स देखें, बहुत सारे बहुत सारे, माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना, कि ये इतने सारे एप्पल्स ना जब हम लोग श्रीनगर आते वक्त एप्पल गार्डन में गए थे, वहाँ इतने सारे नहीं थे जितने यहाँ पे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे एप्पल्स थे, एप्पल्स की भरमार थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी रास्ते में पड़ी थी। और ये जो एप्पल गार्डन है ये भी पहलगाम जाते वक्त पड़ा था। तो यहाँ से होने के बाद फिर हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा बहुत, मतलब भूख लग रही थी, तो ये था कि कुछ खाते हैं उसके बाद फिर से और आगे चलेंगे। तो एप्पल गार्डन से हम लोग निकल आए थे, और इसके बाद अब हम लोग को कहीं कुछ खाने जाना था। तो यहाँ पे रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट पड़ा था जहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे कुछ खा पी के तब हम लोग फिर यहाँ से निकलना था। एंड उसके बाद फिर हम लोग को जो अगला रुकना था वो हमारा पहलगाम में ही रुकना था, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा देते तो वहाँ फिर हम लोग कुछ घूम फिर ना पाते। तो इसीलिए एप्पल गार्डन में हम लोग का थोड़ा सा टाइम लग भी गया था, तो इसीलिए आगे बस अब हम लोगों को सीधा पहलगाम ही जाना था। और ये देखें, ये होटल से ये पूरा व्यू है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और अच्छा लग रहा था, यहाँ पर सुकून भी था। एंड उसके बाद फिर हमारा खाना आ गया था, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग को यहाँ से निकलना था। और खाने की बात करें फ्रेंड्स, तो खाना मैंने आप लोगों को बताया है कि कश्मीर में हर जगह ही बहुत टेस्टी खाना है। उसके बाद खाना खा के हम लोग फिर अपने सफ़र पे निकल गए थे। एंड अब हम लोग को सीधा पहलगाम में ही रुकना था, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग रुकते रहेंगे तो फिर हम लोग पहलगाम में जो भी थोड़ा बहुत घूमना है वो नहीं घूम पाएंगे। और यहाँ पे रास्ते में जो व्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कश्मीर में तो हर ही जगह अच्छे व्यूज़ हैं। तो ये देखें, ये सारा जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है।
फिर हम लोग पहलगाम आ गए थे, और पहलगाम आने के बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ये ATV बाइक्स इंजॉय करेंगे, इसकी राइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग का पहले ये था कि यहाँ पे हॉर्स से हम लोग घूमेंगे, तब वहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाया जाता है और भी बाकी चीज़ें दिखाई जाती हैं। बट क्योंकि हम लोग को आने में ही बहुत शाम हो गई थी, तो फिर हम लोग ने अपना प्लान को चेंज किया और ये सोचा कि नहीं, हम लोग ATV बाइक्स में सही रहेगा। एंड ATV बाइक्स का भी सच बताएं तो हम लोग ने जब प्राइस सुनी ना, तो हम लोग का दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि ATV बाइक्स की इन्होंने प्राइस बताई थी। ये भी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो ATV बाइक्स है, ये हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं थी, इसका हमने अलग से पे किया था। एंड इसका जो प्राइस इन लोग ने बताया था वो था 2500 रुपये पर पर्सन, मतलब एक ATV बाइक का 2500 रुपये, तो ये प्राइस इन्होंने बताई थी। और तब हम लोग का सीधा साफ यही था कि नहीं घूमना है, बस थोड़ा बहुत अपना शॉप वॉप देखेंगे और फिर अपने होटल जाएंगे, कल जम्मू के लिए निकल जाएंगे। बट फिर उसके बाद बारगेनिंग करते करते इन्होंने इसका जो प्राइस है वो 1000 किया पर पर्सन। तब हम लोग ने फिर ये सोचा कि ठीक है, एक न्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी, तो हम लोग ने फिर ATV बाइक्स को लेने का, ATV बाइक्स पर राइड करने का डिसीज़न लिया। और ये भी ना एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना मज़ा आया ना हम लोगों को कि सच में, मतलब हम लोग को लगा कि शायद हॉर्स में इतना इन्जॉय हम लोग ना कर पाते, क्योंकि जो रास्ते होते हैं ना वो थोड़े से ऊँचे होते हैं, लंबे होते हैं। और यहाँ पे ना हम लोग शिमला में 30 मिनट्स का जो हॉर्स राइडिंग हम लोग ने की थी, उसमें ही हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, तो इतना इन्जॉय आई डोंट थिंक सो हम लोग कर पाते। बट ये जो बाइक राइड थी ना, जो ATV राइड थी, इसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत ही ज़्यादा, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हम लोग को कितना मज़ा आया। और यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा कुछ पॉइंट्स बाइक से कवर नहीं किए थे, क्योंकि जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है और जो बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो सब ना आप अगर हॉर्स से जाएंगे तो ही कवर हो पाएंगे। एंड हॉर्स की जो प्राइस है वो मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, बट अगर हॉर्स से जाएंगे तो वो सारे पॉइंट्स कवर हो पाते हैं। एंड ATV से वो 3-4 पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे जहाँ जहाँ कहीं पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई है और कुछ टेम्पल्स हैं, तो ये सब पॉइंट्स इन्होंने कवर किए थे, और बाकी कुछ सीनरीज हैं जो उन्होंने दिखाई थी। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉइंट्स ATV से कवर नहीं होते हैं, बट जो ATV में राइड करने का मज़ा है ना, ये बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत मज़ा आया था मुझे और मेरी जो भी फैमिली है, जो मोना भाभी लोग हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हम लोग ने तो बहुत इन्जॉय किया था, एंड हम लोग के पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग हॉर्स की राइड करें और वहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करें। तो थोड़ा सा ऊपर आने के बाद फ्रेंड्स, हम लोग को ये व्यू देखने को मिल रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा था कि थोड़ी देर हम लोग रुक के यहाँ पे कुछ सेल्फीज़ लेंगे, कुछ वीडियोज़ बनाएंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो सबसे मेन चीज़ होती है अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि घूमने का तो मज़ा अलग ही है, बट अगर आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी आ जाती हैं तो उसका भी बहुत ही एक अलग ही मज़ा है। बाद में तो हम लोग को देखने के लिए ये मेमोरीज ही रह जाती हैं, ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ ही रह जाती हैं, जिसको देख के हम लोग इस टाइम को फिर से याद करते हैं, इन मोमेंट्स को याद करते हैं। एंड यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो मुझे तो फ़ोटोज़ लेना बहुत पसंद है कि मैं आके भी उनको देखूं और फिर मैं याद करूं उस टाइम को। और यहाँ पे हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ली, और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हम लोग की, जो लोग ATV चला रहे थे, जो ATV के ड्राइवर भैया लोग थे, उन्होंने हम लोग की ये फ़ोटोज़ ली थी। एंड इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे। एंड ये रास्ते बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब ख़तरनाक नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि इतने ख़तरनाक हैं, देखने में लग रहे होंगे बट कुछ ऐसे डेंजरस नहीं हैं, और थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होते हैं रोड्स, बट उतना कुछ रिस्क यहाँ पे नहीं लगता है, ना उतना डर लगता है। ATV में मुझे तो डर नहीं लगा, और इतना डर नहीं लगता है सच बताऊँ अगर मैं तो, बस ये है कि इन्जॉय बहुत करते हैं। हम लोग ने तो बहुत इन्जॉय किया फ्रेंड्स। और ये देखें, यहाँ पर कुछ रोड्स बहुत अच्छी हैं,
एंड इसके बाद फिर हम लोग ने जो दूसरी चीज़ है, ये हम लोग ने एक छोटा सा बहुत प्यारा सा मंदिर है, ये टेम्पल हम लोग ने यहाँ पे फिर देखा। तो ये बहुत प्यारा सा एक टेम्पल है, इसको हम लोग ने देखा और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। एंड यहाँ से निकलने के बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा गार्डन था। तो यहाँ से हम लोग निकल गए थे और इसके बाद फिर ये जो प्यारा सा गार्डन है, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स थे। और देखिए हम लोग यहाँ जो फ्लावर्स अभी मतलब अभी खिलना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, यहाँ पे कितने अच्छे से खिल रहे हैं। वही फ़र्क होता है, वेदर वेदर का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे देखें ये चिनार के जो पेड़ हैं, इसमें भी देखें कितने गोल्डन हो गए हैं ये जो सारे पेड़ हैं, जो लीव्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे साइड में ये पानी का जो पूरा व्यू है ये भी था। तो ये पूरा गार्डन में ही था और अजान हो रही थी तो मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था। एंड ये पूरा जो व्यू है ये बहुत प्यारा था। बट यहाँ पे आते आते हम लोग को अच्छी खासी शाम हो गई थी। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके थे, थोड़ी देर रुके थे, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचाई थी। और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग आ गए थे अपने होटल, और ये होटल में ना हम लोगों को जगह नहीं मिली थी। तो इसके बाद फिर हम लोग एक छोटे से प्यारे से कॉटेज में आ गए थे, जहाँ पे आने के बाद हम लोग को चाय मिली, उसके साथ ब्रेड मिला। एंड सच में हम लोग के साथ ना फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना कश्मीर में, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मतलब जब हम लोग को होटल में जगह नहीं मिली ना, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया कि हम लोग को जब होटल मिला था तो दूसरा होटल क्यों दिया जा रहा है, जब हम लोग ने वो बुक किया था तो। बट जब हम लोग इस कॉटेज में आए हैं ना, तो हम लोग को लगा अच्छा हुआ होटल नहीं मिला, क्योंकि ये भी बहुत प्यारा सा एक कॉटेज है। और यहाँ पर हम लोग ने बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया। मतलब यहाँ बाहर का व्यू भी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये अंदर का पूरा व्यू है। और यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया। हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग को लगा चलो अच्छा हुआ होटल नहीं मिला, ये कॉटेज मिल गया। हम लोग ने जो एक नए ही एक्सपीरियंस लिया था वो भी हम लोग को लास्ट लास्ट में वो कॉटेज का भी एक्सपीरियंस मिल गया। तो ये देखें ये पूरा कॉटेज है और बहुत प्यारा कॉटेज है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हम सब लोगों को बाद में यही लग रहा था कि ठीक है अच्छा हुआ हम लोग को होटल नहीं मिला, हम लोग को ये कॉटेज मिल गया। तो फिर कॉटेज में आके हम लोग ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, बात करके बहुत रात तक बात की, और उसके बाद फिर सो गए। और उसके बाद फिर हो गया था सुबह का टाइम, और अब हम लोगों को निकलना था जम्मू के लिए। आज रात की हमारी ट्रेन थी लखनऊ के लिए, मतलब लखनऊ डायरेक्ट नहीं थी, यहाँ से जम्मू से दिल्ली थी, दिल्ली से लखनऊ थी। एंड ये बाहर का व्यू आप लोग देखें, इतना प्यारा व्यू है ना। और इतनी ज़्यादा ठंड थी, रात का जो पहलगाम का टेम्परेचर था वो था -2 डिग्री। हम लोग बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट जब हम लोग कंबल में चले गए थे तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, बट थी अच्छी खासी ठंड थी। मतलब हमको लगता है सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पर थी। और यहाँ पे हम लोग का जो कश्मीर का ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मैं इसकी जो मेमोरीज़ हैं वो बहुत अच्छे से अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि ट्रिप एक ऐसा नहीं है कि ट्रिप सिर्फ आपको अच्छी जगह के वजह से अच्छा लगता है, ट्रिप में आपको कैसे लोग मिल रहे हैं, आप किन के साथ हैं, ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमारे साथ मोना भाभी लोग, भैया लोग हैं, एंड उनके साथ हम लोग ने इतना इन्जॉय किया कि हो सकता है कोई और होता तो हम लोग इतना इन्जॉय ना करते। मतलब एक पल को भी ये नहीं लगा कि हम लोग अलग फैमिली हैं, वो लोग अलग फैमिली हैं, बिल्कुल एक फैमिली के जैसा लगा। और लगा हम लोग कितनी एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। एंड उसी के साथ हमारे जो एक डर था ना कि पता नहीं हमारे जो ड्राइवर भैया होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे, खड़ूस तो नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे ड्राइवर भैया थे उन लोग ने। उन्होंने बहुत जगह हमारे पैसे भी बचाए, बहुत जगह हमें गाइड भी किया, बहुत चीज़ें उन्होंने हम लोग के लिए बहुत अच्छी की। मतलब हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ हमारी जो राइड है ना वो बहुत अच्छी थी, हमने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया। हो सकता है हम लोग को ये बहुत डर था क्योंकि हम लोग को शिमला में ना बहुत अच्छे ड्राइवर नहीं मिले थे, हम लोग का जो ट्रिप था वो बहुत बेकार हो गया था ड्राइवर की वजह से। तो ये जो ड्राइवर भैया थे ना बहुत अच्छे थे, हम लोग शुक्र मना रहे थे कि हाँ इनके साथ हमारी ये ट्रिप हो रही है। और सोनमर्ग में भी हम लोग को जो ड्राइवर भैया मिले थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से घुमाया। मतलब मैं सोचती हूँ इन लोग का रोज़ का काम है, ये लोग बोर भी नहीं होते हैं, रोज़ एक ही काम करना होता है, बट फिर भी कितनी एक्साइटमेंट से अपने हर क्लाइंट को ये लोग
लेते हैं, हर क्लाइंट को उसी तरीके से हर चीज़ दिखाते हैं। मतलब सोनमर्ग में भी जो भैया थे उन्होंने भी बहुत एक्साइटमेंट से हम लोग को हर चीज़ें दिखाई, हर चीज़ें हम लोग को इंजॉय करवाई, हम लोग की फ़ोटोज़ लीं। और ये जो हम लोग का पूरा ट्रिप था श्रीनगर का, और ये गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, तो ये भी जो ड्राइवर भैया थे ना बहुत अच्छे थे। मतलब हम लोग की सबसे अच्छी चीज़ यही हुई थी कि हम लोग को जो ड्राइवर भैया हैं वो बहुत अच्छे मिल गए थे। तो हमारा ये ट्रिप कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बिल्कुल यादगार ट्रिप था जिसको मैं शायद कभी भी ना भूलूँ। हम लोग जितने भी लोग गए थे वो शायद कभी भी इस ट्रिप का ना भूले। ये ट्रिप हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिप थी, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि भैया भाभी लोग के साथ हम लोग और भी आगे ऐसी बहुत सी ट्रिप्स करेंगे, एंड हम लोग का जो ये रिलेशन है हमेशा ऐसे ही बना रहे, आमीन। और फ्रेंड्स, आपके लिए जो कश्मीर की जो ये वीडियोज़ हैं ये बस इतनी ही, एंड हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। होप सो कि थोड़ा बहुत मेरी वीडियोज़ देख के आप लोग ने भी इन्जॉय किया होगा। अगर किया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को पता लगी होंगी न्यू तो वो भी मुझे बताइएगा। आप जाने वाले अगर हैं, मैंने ये चीज़ें बहुत बताई हैं कि क्या चीज़ें आप वहाँ पर जाके किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस प्राइस में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें पैकेज में इंक्लूड हैं क्या नहीं है, तो वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताना चाहा है। और मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोग को बताऊं, बट फिर भी अगर कोई चीज़ें हैं आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मुझे हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बिल्कुल मन नहीं था कश्मीर से वापस जाने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बट यही है कि घूमने तक हम लोग घूम सकते हैं, बट उसके बाद फिर तो घर ही जाना है। और जब घर जाने की बात होती है तब फिर ये होता है कि हाँ, अपने घर तो अपना ही घर होता है, बट ये जो खूबसूरती है ना ये इंडिया की अलग ही खूबसूरती है। मतलब ये सच में कश्मीर अगर वर्ल्ड का हेवन बोला जाता है ना तो इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। कश्मीर की जो वादियां हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।